नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आइए शुरुआत करते हैं सुबह समाचार की इस वक्त की खास खबरों के साथ। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत, जहर खिलाकर की नवविवाहिता की हत्या। बुलंदशहर में पुलिस ने 35 अवैध शराब की पेटियां की जब्त, दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सिरोही में बस और ट्रक की भिड़ंत में दो दर्जन से अधिक लोग घायल, स्थानीय लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। और बयारा में अलग अलग मामलों में एक छात्रा और विवाहित युवक ने की आत्महत्या, पुलिस दोनों मामलों की कर रही है जांच। अब खबरें विस्तार से। कानपुर देहात के रसूलाबाद गांव में 6 महीने पहले कुर्सी की रहने वाली कोमल की शादी कुलदीप से हुई थी। महज 6 महीने बाद ही कोमल की लाश ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली, जिसके बाद नवविवाहिता मृतका कोमल के परिजन ससुराल पहुंचे और कोमल की लाश देखकर पता लगाया कि कोमल को जहर खिलाकर उसकी हत्या की गई है। कोमल के परिजनों ने बताया कि पति कुलदीप के अवैध संबंध उसकी भाभी से थे, जिसकी खबर मृतका कोमल को लग गई। उसके बाद कुलदीप ने लगातार दहेज को लेकर कोमल को प्रताड़ित किया। वहीं पुलिस ने कोमल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कुलदीप सहित उसका पूरा परिवार फिलहाल फरार है। इस मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है और पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। आपका क्या नाम है? रोहित। क्या मामला है पूरा? जिठानी जो थी वही परेशान करती थी और दहेज की मारपीट करती थी और दहेज के लिए बोलती थी कि ये लाओ वो लाओ, सामान कम दिया, गाड़ी नहीं दी, पैसा कम दिया, ये सब परेशान करते थे। आप किस गांव रहते हैं? कुर्सी का धन्यवाद। बहन आपकी कहाँ भी आई थी? किस्ती यही सब था, मारपीट करते थे। नंद और इनकी जिठानी। कितने दिन हुए शादी के आपकी बहन? 5-6 महीने हुए। इसकी शिकायत कहीं तेजती चौकी में या पुलिस में की एक बार? हाँ, थाने नहीं, चौकियों की नहीं। एक बार अपनी बहन को 4-5 दिन के लिए ले गए थे तो उसके बाद फिर जब ले आए थे तो कहना ऐसा नहीं होगा दोबारा, और उसके बाद दोबारा लाए तो फिर मारपीट और टॉर्चर करते थे, खाना पीना में कोई ध्यान नहीं। पतंजलि युवा भारत द्वारा सांचौर में डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला आयुर्वेदिक काढ़ा पतंजलि चिकित्सालय श्रीराव मार्केट में पिलाया गया। आयुर्वेदिक काढ़ा 5,000 महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को वितरित किया गया। ये काढ़ा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, इसलिए इसे कोई भी ले सकता है। साथ ही रोगियों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार लाने के लिए एलोपैथी के साथ ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। बुलंदशहर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कल रात सलेमपुर तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से 35 शराब की अवैध पेटियों को जब्त कर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। जो आपत्तिजनक स्थिति में थी कि उसके ऊपर एक थी, उसको लाके चेक किया गया तो कहीं जा रही थी लेकिन अब किस दिन जा रही थी, अभी अपराधी पकड़ा जाएगा उसके बारे में पूछताछ की जाएगी, बाकी लाके उनको एक मुकदमा दर्ज करके अज्ञात में कानून कार्रवाई की जाएगी। बरामद गोवंश का क्या हुआ? उनको एक गौशाला में सुरक्षित पहुँचा दिया गया है और आगे कार्रवाई की। यूपी के बदायूं जिले में स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते बदायूं के कुबरी गांव में पिछले 20 दिनों से अब तक 4 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। 4 बच्चों की मौत के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की कुंभकर्णी नींद अभी तक नहीं खुली। मंगलवार को ग्रामीणों ने गाँव के प्राथमिक स्कूल में तालाबंदी कर दी, तब कहीं जाकर स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया और स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए और समझा बुझाकर नाराज ग्रामीणों को शांत कराया और बुधवार को गांव में जाकर कैंप लगवा कर टीकाकरण करवाया और दवाइयां वितरित करवाई।
बीमारी चल रही है गला घोटू की, क्या पूरा मामला है? वो टीका ही तो नहीं निकली, टीका पहले कम लगे अब लग रहे हैं। अच्छा पहले ग्रामीणों ने टीके लगवाए नहीं थे क्या? पहले लगवाए नहीं थे, किसी लगवा लिए किसी नहीं लगवाए। कैंप लगे थे? कैंप नहीं लगा, ये कहना माती थी कम लगवा ली। अच्छा मतलब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप ही नहीं लगता था? नहीं लगा। अच्छा उसके बाद अभी जो लगभग 20 दिन में 4 मौतें हो चुकी हैं, तो इसमें आज से पहले स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी आया था? सूचना दी एक बार, सूचना दी के लिए फिर आए नहीं थे। तो किसको सूचना दी गई थी? डीएचजी डॉक्टर सेशन। बूंदी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हरिमोहन शर्मा ने बरड क्षेत्र के गांव में जनसंपर्क किया। इस दौरान उनका ग्रामीणों ने स्वागत किया और नुक्कड़ सभा को भी उन्होंने संबोधित किया। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के रिको के समीप बस और ट्रक के बीच में भिड़ंत हो गई, जिससे हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर स्वरूपगंज थाना अधिकारी ललित किशोर और टोल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बस से निकालकर स्वरूपगंज अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का उपचार जारी है। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी सुमन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 नवंबर को 21 वर्षीय आरोपी विश्वनाथ उर्फ कुल्लू ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग बच्ची को डरा धमका कर घर की छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के पिता ने पुलिस में दी गई तहरीर में बताया था कि वह रात को खेत में सिंचाई करने गया था और पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था। ऐसे में पीड़िता अपनी बहन के साथ घर में अकेली सो रही थी, तभी पड़ोसी युवक विश्वनाथ घर में घुस आया और उनकी नाबालिग बेटी से जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपी को महुआ खेड़ा मोड़ से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ करने के लिए पुलिस जुटी हुई है। विश्वनाथ पुत्र बच्चू सिंह निवासी महुआ खेड़ा को गिरफ्तार किया है। आरोपी से अनुसंधान किया जा रहा है। आरोपी ने 15 तारीख को नाबालिग बच्ची के साथ घर में घुस करके और डरा धमका करके छत पर जा करके दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें मुख्य आरोपी कुल्लू और विश्वनाथ को आज गिरफ्तार किया गया। राजस्थान का शिमला कहे जाने वाला एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में अब सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। हिल स्टेशन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बीती रात न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सर्दी के बढ़ने से लोगों की दिनचर्या पर असर पड़ा है। स्थानीय निवासी ठंड से बचने के लिए जतन करने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं बात करें हिल स्टेशन पर आने वाले पर्यटकों की, तो ठंड के चलते देर तक पर्यटक होटलों में दुबके नजर आए। ठंड के कारण स्कूली बच्चों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि कश्मीर में हो रही बर्फबारी के कारण हिल स्टेशन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में ठंड का सितम और ज्यादा देखने को मिल सकता है। ठंड कैसे पड़ रही है माउंट आबू में आज? कल से ज्यादा आज है। पहली ठंड है ये? पहली ठंड है, बहुत ज्यादा आज तो। कल थोड़ा गर्म था, आज बहुत ही ज्यादा है और अग्नि का सहारा लेके बैठे हुए। ठंड से चलने के बाद टूरिस्ट कैसा दिख रहा है आज? आज थोड़ा शांत चल रहा है। शांत, कल अच्छा था। तो ठंड ज़्यादा होगी तो पर्यटन बढ़ेगा माउंट आबू में? बढ़ेगा, पर रात के समय नहीं बढ़ेगा, सुबह के समय रहेंगे। सेल फेल तो बढ़ेगी अखबार में आने के बाद।
भरतपुर के बंसी पहाड़पुर में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास एक निजी लैब में चोर लाखों रुपए के उपकरण चोरी करके ले जाने का एक मामला सामने आया है। गौरतलब है कि बंसी पहाड़पुर में नगला खिन्नी निवासी वेद कुशवाहा अपनी निजी लैब चलाते हैं, जहां से अज्ञात चोर लैब से लाखों रुपए के उपकरण चोरी कर ले गए, जिसमें CBC मशीन और कंप्यूटर LED जैसी कीमती उपकरण शामिल है। पीड़ित की ओर से उक्त घटना की जानकारी रुदावल थाने पर दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। वहीं क्षेत्र में चोरी जैसी वारदाताओं का क्षेत्र में ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। उक्त घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है और पुलिस ने शीघ्रता से मामले की जांच करते हुए चोरी का खुलासा करने की बात कही है। बयाना के निकटवर्ती गांव कनावर में बुधवार को BA फाइनल की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। सूचना पाकर पुलिस अस्पताल में पहुंची, तब तक परिजन छात्रा के शव को वापस घर ले जा चुके थे, जिसे पुलिस ने गांव पहुंचकर समझाइश कर बयाना लाकर पोस्टमार्टम करवाया। इसके पूर्व मंगलवार शाम को उपखंड के सीमांत गांव नगला कटान के एक विवाहित युवक ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली थी, जिसका पुलिस ने बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक विवाहित युवक ने बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। कल दिनांक 27/11/18 को समय करीब 3 PM पर मैं बयाना थाने में था। मेरे पास टेलीफोन आया, नंगला घटान में एक लड़के ने फांसी लगा ली। इस सूचना पर मैं जाप्ता की गाड़ी लेकर थाने से गया और मौके पर जाकर के देखा तो बॉडी कमरे में लेटी हुई थी, और उसको जीप में रख के पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लाया। समय दिन छिपने के कारण बॉडी को मोर्चरी में रखवाया। आज पोस्टमार्टम के बाद में बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी। इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।